स्टार्ट कर दी मैंने। चलें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, मतलब ठीक है, तो इसमें ग्राफिक्स किस तरह से ऐड करते हैं, जिसमें सर्कुलर फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में डेटा शो करते थे, वो आपके पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स था। अच्छा, आज इंशाल्लाह कवर करेंगे अप्लाइंग एंड मॉडिफाइंग स्टाइल। अप्लाइंग कहते हैं अप्लाई करने को, और मॉडिफाइंग कहते हैं उसको एडिट करने को, ठीक है। उसको एडिट करना यानी उसको रीनेम करना, उसको डिलीट करना, उसको इंसर्ट करना, उसको ऐड करना, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह मेल मर्ज पढ़ेंगे, तो आज के हमारे ये दो टॉपिक आखिरी हैं। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या होगा, नीचे आएंगे, नीचे सबसे नीचे तो आपके पास वर्ड क्विज है, तो आप लोगों ने वर्ड क्विज अप्लाई, मतलब ये टेस्ट है, आप जो इस टेस्ट को पास करना है, और जो पासिंग का जो स्क्रीन होगी उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपने क्लास रूम पर अपलोड करनी है, वहाँ पर मैं असाइनमेंट दे दूँगा आपको, ठीक है। बाकी ये जो 31, 32 है, ये हमारे अभी फ़िलहाल काम करनी है। व्हाट इज़ ऑफिस 365, ये एडवांस वर्जन है ऑफिस का, ठीक है, जो हमारे पास चला, जो ऑनलाइन चल रहा होता है एमएस ऑफिस, ठीक है। और जो हम लोग अभी चला रहे हैं 2019 का। और दूसरी बात ये कि 19 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके पास, जिसके लिए आपके पास अच्छी खासी मेमोरी होनी चाहिए, रैम में भी और हार्ड ड्राइव में भी। लेकिन जो एमएस 365 है आपके पास ऑनलाइन चलता है, ठीक है, ऑनलाइन चलता है, मतलब आपने जैसे आईडी, मतलब वहाँ आईडी और पासवर्ड के थ्रू एंटर होना होता है और आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ड क्विज इंशाल्लाह आप लोग कवर कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले 30 पढ़ लेते हैं, इसके बाद 29 पे आते हैं, ठीक है। 30 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है। चलें 30 पे आते हैं। मेल मर्ज है क्या, लर्न हाउ टू यूज़ द मेल मर्ज फीचर टू प्रोड्यूस लेटर्स, लेबल्स एंड एनवेलप्स। अच्छा, ये आप, ये मेल मर्ज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोग, लेट सपोज 100 लोगों को एप्लीकेशन सेम भेजनी है लेकिन डिफरेंट नाम लिख के, तो होगा क्या कि आप लोग क्या करेंगे, 100 लोगों के अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अलग अलग नाम लिखेंगे, तो इस तरह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन बजाय इसके आप एक ही लेटर बनाएं, उसके ऊपर 100 लोगों को अलग अलग तरीके से मेंशन कर रहे हैं, लेकिन 100 लोगों तक वो लेटर पहुंच जाए लेकिन उनके नाम से पहुंचे, किसी और के नाम से नहीं। तो मेल मर्ज का ऐसा प्रोसेस समझ में आया आपको, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा काम करना है लेकिन सेम काम करना है, यानी 100 लोगों का एप्लीकेशन लेटर सेंड करना है सेम, जस्ट नाम चेंज करना है। तो आप लोग 100 लेटर लिखने नहीं बैठेंगे, जस्ट एक लेटर लिखेंगे, उसके ऊपर 100 लोगों का लिस्ट एक मेंशन कर देंगे, तो 100 लोगों के पास लेटर चला जाएगा लेकिन उनके पास उनके नाम से ही मिलेगा, ठीक है, मिक्सअप नहीं होगा। चलें यहाँ पे चलते मेल मर्ज में 30 पे। मेल मर्ज इज अ यूजफुल टूल डेट अलाउज यू टू प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप्स, नेम, टैग्स एंड मोर यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ लिस्ट, डेटाबेस और स्प्रेडशीट, ठीक है। यानी आप, ये ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करते हैं प्रोड्यूस मल्टीपल, यानी आप मल्टीपल लेटर्स वगैरह बना सकते हैं। मल्टीपल कहते हैं बहुत सारे लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप्स, ये आप बना सकते हैं और टैग्स के साथ, और यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड फ्रॉम, अच्छा, इन अ लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट में लोगों के नाम होंगे, अब वो लिस्ट कौन सी, डेटाबेस की भी लिस्ट हो सकती है, एक्सेल की भी लिस्ट हो सकती है, एक्सेल कहते हैं स्प्रेडशीट वाली लिस्ट को, ठीक है, या आपके पास कोई भी लिस्ट हो सकती है, जैसे आपने उस लिस्ट को उठाना है, उन लोगों को फॉरवर्ड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोनों डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारे पास लेटर है, ठीक है, इस पर क्लिक किया डाउनलोड हो जाएगा, तो आप लोगों के पास चैलेंज में भी आएगा, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड्स में स्टोर कर लिया। इसके बाद एक और लिस्ट है, रेसिपिएंट लिस्ट, इसको क्या कहते हैं, क्या होता है रेसिपिएंट लिस्ट, किसी को पता है कुछ? 100 लोगों को सेंड करना है ना, तो 100 लोगों का नाम जो है वो रेसिपिएंट कहलाएंगे, ठीक है, जो रिसीवर होंगे, ठीक है, रिसीवर को क्या कहते हैं, रेसिपिएंट, ठीक है। तो इसको भी मैं साथ में डाउनलोड कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि फोल्डर में आता हूँ, आपको दिखाता हूँ दो फाइल्स डाउनलोड की मैंने, ठीक है। एक फाइल ये वर्ड की डाउनलोड की है जिसके अंदर लेटर लिखा हुआ, और दूसरी फाइल एक्सेल की फाइल है, एक्सेल, ठीक है। इंशाल्लाह एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह सीखेंगे पावर पॉइंट के बाद, ठीक है। मैं पहले इसको ओवरव्यू करवा देता हूँ, इस फाइल में है क्या। इस फाइल को मैंने ओपन किया, इस फाइल में देखें ये आपके पास डेटा है, ठीक है, कितने लोगों का डेटा है, 9 लोगों का डेटा है। इसमें लिखा हुआ टाइटल क्या है, मिस्टर या मिसेस है, नेम है, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ठीक है। ये जस्ट आपके पास डेटा है, इन 100 लोगों का आप लोगों ने लेटर सेंड करना है इन्हीं के नाम से, ठीक है, सेम लेटर नहीं सेंड करना, इन्हीं के नाम से लेटर सेंड करना है। लेटर की सारी बॉडी सेम होगी, जस्ट लेटर का जो नाम होगा, डेयर वगैरह, ये सब कुछ ये ऑटोमेटिक लगा देगा यहाँ से उठा के। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है? चलें इस फाइल को बंद कर दिया। इस फाइल को बंद करना लाजमी है, अगर इसको ओपन रखेंगे तो फाइल में एरर आएगा, लाजमी कोशिश करना ये फाइल बंद होनी चाहिए। तो मैं इस वर्ड की फाइल को ओपन करता हूँ, तो आपके पास लेटर आ रहा है, ठीक है।
लेटर आ गया। अब यहाँ पे देखें, आपको पता होगा अमूमन यहाँ पे नाम लिखा जाता है, 2 से 3 लाइनों का नाम होता है जिसमें एड्रेस होता है, नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेयर कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें इंसर्शन पॉइंट ये रहा, यानी मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, वह स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट और क्रिएट एन न्यू वन, ठीक है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है मेरा, हमारे पास जो है उस पर काम कर रहे हैं। फ्रॉम मेलिंग टैब, मेलिंग के टैब पे जाना है, क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज कमांड एंड सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी ये मेलिंग के टैब में आना है। इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज होगा, उसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, तो यहाँ पे लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मेल मर्ज विजिट। अब करना क्या है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, कहाँ पर जाना है, मेलिंग्स पे और स्टार्ट मेल मर्ज, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट, इसको ओपन किया तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये पूछ रहा है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। आपके पास लेटर है, ईमेल मैसेजेस है, एनवेलप्स है, आप इसको बताएंगे, ठीक है। हमारे पास लेटर है तो लेटर को सिलेक्ट किया हुआ। अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूज़ द करंट, यानी हमारे पास जो फाइल ओपन हुई हुई ना, इसी को सेंड करनी है। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ये याद रखना कि यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 of 6। ये पहला स्टेप क्या, आपने लेटर को सिलेक्ट करना है, इसको नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपने बताना है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, ये ऑटोमेटिकली चेक हुआ हुआ है, ठीक है। चेक हुआ मतलब सिलेक्ट हुआ हुआ, ठीक है। अब करना क्या है, इसके बाद ये देखा प्रोसेस नज़र आ रहा है, सिलेक्ट रेसिपिएंट। अच्छा, आप क्या करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट, रेसिपिएंट वो होते हैं जो रिसीवर होते हैं जिनको लेटर आपने सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, सिलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, देन क्लिक ब्राउज टू सिलेक्ट द फाइल। फाइल कौन सी, जिसमें हमारे पास डेटा है, किन लोगों का डेटा है, जिनको सेंड करना है। तो मैं करता क्या हूँ, सिलेक्ट रेसिपिएंट, जैसे इस पर क्लिक करूँगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। अब आपके पास ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, आपने करना क्या, वो जो एक्सेल की फाइल है आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, कहाँ पे, वर्ड के अंदर, क्योंकि हमारे पास उसमें लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट हमारे पास डेटाबेस की फॉर्म में भी हो सकती है और एक्सेल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, तो हमने यहाँ क्या करना है, मेरे पास फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड्स पे आता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये रही हमारे पास एक्सेल की फाइल, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट दबा सकता हूँ, या फिर इसको डबल क्लिक कर सकता हूँ, या फिर इसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ, तो ये फाइल आपके पास सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब आपने यहाँ से ओके करना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डेटा रहा ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, यानी डेटा ऑटोमेटिकली उठा लिया कि भाई लास्ट नेम क्या, फर्स्ट नेम क्या, कितने लोग हैं, टोटल 9 लोग हैं, ठीक है। ये देखें, मैं चाह रहा हूँ एल्बर्टसन को सेंड नहीं करना, तो मैं यहाँ से टिक लगा हटाता हूँ, तो इसके पास सेंड नहीं होगा। और अगर मैं इसको सेंड करना चाह रहा हूँ तो टिक लगाया तो सेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे टिक करता हूँ तो सब हट गए, इसी पर टिक लगाता हूँ सब पे आ जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, ठीक है। यही फर्स्ट नेम, टाइटल, एड्रेस, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था हमारे पास एक्सेल की फाइल में, ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब आते हैं यहाँ आगे, लोकेट योर फाइल, क्लिक ओपन, यानी इस फाइल को सिलेक्ट किया था, ओपन कर दिया था। ओपन करने के बाद आपके पास सामने शीट आई थी, उसको ओके कर दिया था, ठीक है। इन द मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स यू कैन चेक और अनचेक ईच बॉक्स टू कंट्रोल विच रेसिपिएंट आर इंक्लूडेड इन द मर्ज, ठीक है। ये आपको मेल मर्ज की जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर चेक और अनचेक, ठीक है, ठीक है, टिक या अनटिक लगा सकते हैं। ईच बॉक्स, हर बॉक्स में जो कंट्रोल करना, जिसको बॉक्स टू कंट्रोल विच रेसिपिएंट आर इंक्लूडेड इन द मर्ज, जिसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल रेसिपिएंट शुड बी सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट पता क्या, ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। व्हेन यू आर डन क्लिक ओके, तो उसको ओके करना है। यहाँ से ओके करने के बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हो राइट योर लेटर, तो मैं यहाँ चलता हूँ, इसको मैंने ओके किया तो स्टेप नंबर 3 पे आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट करना राइट योर लेटर, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट आ रही है। चलें, यहाँ पे मैं दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, राइट योर लेटर पे क्लिक किया, तो हम क्या करते हैं, लेटर को राइट करते हैं, राइट योर लेटर, जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये 2-3 पैरामीटर्स आ गए, एड्रेस ब्लॉक, ग्रेटिंग लाइन। ग्रेटिंग लाइन आपको कहते हैं जो आप लोग सलाम करते हैं, जैसे डेयर हाउ और डेयर सर, डेयर, ये ग्रेटिंग लाइन होती है, यही होती है, यही होती है। और एड्रेस ब्लॉक क्या होगा,
आपका उस आपने उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका कोड लिखना होगा, ठीक है। आप ये समझें कि यहाँ पे लेटर पता है किस किस्म का आएगा। मैं सबसे लास्ट पे ले जाता हूँ, और से देखें आपको वो लेटर इस तरह से शो होगा, उसका नाम, ठीक है, ये इसका एड्रेस आ गया, और ये इसका सिटी या मुल्क आ गया, ठीक है। और मिस्टर डेविस, ये ग्रेडिंग लाइन होगी, ये एड्रेस ब्लॉक होगा। एड्रेस ब्लॉक हमारे पास तीन लाइन्स का है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा टाइप होगा। मैं दोबारा उस पर आता हूँ। आप ये बताएं कि यहाँ तक आ गए जी। अब करना क्या है कि अ प्लेस होल्डर विल अपेयर इन योर डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस ब्लॉक, ये प्लेस होल्डर है, यानी यहाँ पे आप कोई चीज़ रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक रखना है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये इंसर्शन पॉइंट हमारा ये यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। अब करना क्या है, एड्रेस ब्लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एड्रेस ब्लॉक लाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ मिस कथे, ये इसका नाम है, ठीक है। अभी मैं ग्रेडिंग लाइन ही ला रहा, जस्ट ये ला रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये सिलेक्ट हुआ, जस्ट आपने ओके करना है, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक आ गया। अब मतलब ये कि जितने भी लेटर होंगे हमारे पास, उन सब में जो है एड्रेस ब्लॉक, यानी उन सब के नाम अलग अलग या अलग अलग सिटीज़ ऑटोमेटिकली उठाएगा जितने भी लिस्ट में लोग होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एड्रेस ब्लॉक ऐड कर दिया। एड एनी अदर प्लेस होल्डर यू वॉन्ट, इन आवर एग्जाम्पल वी विल एड अ ग्रेटिंग लाइन प्लेस होल्डर जस्ट अबव द, अबव कहते हैं ऊपर। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एग्जाम्पल, हम लोग ग्रेटिंग लाइन ऊपर लगाना चाह रहे हैं, ये रहा ग्रेटिंग लाइन, ये रहा, यानी बॉडी से ऊपर। ग्रेटिंग लाइन क्या होता है, जिसमें मिस्टर या मिसेस लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर जस्ट अबव द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पर आ गया ग्रेटिंग्स में, ठीक है। तो ग्रेटिंग मैंने कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे, किसके ऊपर, बॉडी ऑफ कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ सेलेक्ट किया, पहले मैंने सेलेक्ट किया था एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करके, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से ग्रेटिंग लाइन को क्लिक करता हूँ तो होगा कि आपके पास ये डेयर मिस्टर रंडल ये नाम आ गया, ठीक है। हमारे पास लिस्ट में सबसे पहला नाम ये है तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास ग्रेटिंग लाइन ओपन हो गया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, व्हेन यू आर डन नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, यानी ये स्टेप नंबर 4 पे पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर। हमारे पास दो चीज़ें थी, एड्रेस ब्लॉक और ग्रेटिंग लाइन, दोनों ऐड कर दी। तो हमने अभी नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है, टू मूव टू द स्टेप 5। अब क्या करता हूँ, ये दोनों फाइल दोनों हो चुके हैं, एड्रेस ब्लॉक और ग्रेटिंग लाइन, मैं जस्ट प्रीव्यू योर लेटर, यानी ये लेटर को प्रीव्यू करना है। ये देखें आपके पास लेटर शो हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें एरो नज़र आ रहे हैं, मैं इस पर देख रहा हूँ अगले बंदे का नाम किस तरह से शो होगा, ये इस तरह से ग्रेटिंग शो हो रहा है। उससे नेक्स्ट पर्सन का एड्रेस वगैरह किस तरह से शो होगा, इस तरह से शो होगा। यहाँ तक कोई सवाल है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली एड्रेस ब्लॉक उठा रहा है, कहाँ से, लिस्ट में से, और ये ग्रेडिंग लाइन उठा रहा है, कहाँ से, लिस्ट में से, ठीक है। अब करना क्या है, ये प्रीव्यू योर लेटर, यहाँ तक पहुँच गए। अब जाना है प्रीव्यू योर लेटर्स टू मेक श्योर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट लिस्ट अपेयर्स करेक्टली इन द लेटर, ठीक है। आपने यहाँ से प्रीव्यू करना है जो हम कर चुके हैं एरो की फॉर्म में, ठीक है। यू कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल एरोस टू व्यू ईच वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप आगे पीछे करके हर किसी का एक वर्जन देख सकते हैं, किसको किस नाम से फाइल जाएगी, ठीक है। इफ़ एवरीथिंग लुक्स करेक्ट, क्लिक नेक्स्ट, कम्प्लीट द मर्ज टू मूव द स्टेप 6। जस्ट आपने कम्प्लीट द मर्ज पर क्लिक करना है तो आपका स्टेप नंबर 6 पे मूव कर जाएगा। देखें ये हमारे पास आ रहे हैं, अभी हमें लग रहा है ये सब चीज़ ओके है, ठीक है। आपके पास नाम, एड्रेस, हर चीज़ चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लिस्ट में जो नाम दिए हुए, ठीक है। और यहाँ से मैं कम्प्लीट द मर्ज पर क्लिक करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। अब होगा कि पूरा का पूरा लेटर हर किसी के पास जाएगा, ये एक नोटिफिकेशन लेटर है, ठीक है, ये हर किसी के पास जाएगा। जस्ट उस पर नाम चेंज होगा, सिटी वगैरह, एड्रेस ब्लॉक, और उसकी ग्रेडिंग चेंज होगी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो जो लिस्ट आपकी एक्सेल की दी हुई है जो सिलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास लिस्ट में कितने लोग थे, 9 लोग थे, तो हमारे पास 9 लोगों तक ये जाएगा। अब करना क्या पता है, जस्ट प्रिंट करना है, अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है, जस्ट प्रिंट करना है, तो आपने ऑल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ओके कर देना है। लेट सपोज मैंने ऑल पे क्लिक किया, ओके किया, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पास प्रिंटर होगा, आखिर में फाइनली ओके करेंगे तो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, क्लिक द प्रिंट टू प्रिंट द लेटर, प्रिंट पे क्लिक किया तो ऑल पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे,
और अगर आप लोग कस्टमाइज चाह रहे हैं कितने से कितने तक करना है तो आप यहाँ से फ्रॉम टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपेयर आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे आपने प्रिंटर शो करना है और ओके करना है, प्रिंट हो जाएगी वो फाइल, ठीक है। आप लोग क्या करें, ये चैलेंज को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट और प्रैक्टिस रेसिपिएंट लिस्ट इन दोनों को डाउनलोड करें, इसके बाद काम करें, ठीक है। आपके पास 15 मिनट है, चलें मूव करते हैं शॉर्ट टीचर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। डाउनलोड्स, और आप लोगों ने डाउनलोड करना होगा चैलेंज का पेपर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है, आई स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट स्टाइल कलर साइज, ये सब के सब क्या आते हैं, स्टाइल के अंदर आते हैं, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। स्टाइल कैन हेल्प योर डॉक्यूमेंट अचीव अ मोर प्रोफेशनल लुक एंड फील, ठीक है, प्रोफेशनल लुक एंड फील देने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन कर लिया, इसको मैंने डॉट सेव कर दिया, चलें फाइल जो मैंने डाउनलोड की इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वर्ड स्टाइल आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। आपके पास सिंपल, जब भी आप लोग लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो सिंपल लिखते हैं, उसको पहले हेडिंग नहीं बनाओ, पहले सिंपल लिखो, जब सब कुछ लिख लो उसके बाद उसको फॉर्मेट करो, यानी फॉर्मेट से मुराद उसका स्टाइल अप्लाई करो। तो देखें, ये शेल फील्ड एनिमल रेस्क्यू, ये हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, अब इसको हेडिंग बनाना है, पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट और प्लेस योर कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द प्लेन, अच्छा प्लेस कर्सर सबसे पहले ले आओ या उसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक मोर ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है, ये मोर यहाँ से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको सिलेक्ट कर लो या शुरू में कर्सर को रख लो, ठीक है, ठीक है। ये होम का टैब ओपन है, ये स्टाइल आपके सामने शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ सारे शो हो, तो ये मोर आता है, इसको ओपन किए, सबके सामने आपके सामने शो हो गए, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, वापस आता हूँ, स्टाइल ग्रुप में क्या, होम टैब में क्या, मोर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो मोर में आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं जो, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट, तो इसने क्या किया, टाइटल पर क्लिक किया तो आपके पास ये टाइटल की फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। द टेक्स्ट विल अपेयर इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल, जो आपने सेलेक्ट किया होगा उस स्टाइल में, पहले क्या था, बिल्कुल जीरो था, ठीक है, ये टाइटल की फॉर्म में नहीं था, तो वहाँ से सिलेक्ट किया, देखें ये करता हूँ, ये देखें मोर पे क्या, ये टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास टेक्स्ट बड़ा हो गया, टाइटल बन गया, ठीक है, ये बना बनाया आपके पास टाइटल आ गया, मतलब आपको साइज एडजस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पास स्टाइल बने हुए होते हैं, अगर आप अपना स्टाइल बनाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट में स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग वन, हेडिंग टू, ठीक है, हेडिंग वन क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग, और हेडिंग टू क्या होता है, उससे छोटी हेडिंग, और हेडिंग थ्री उससे भी छोटी हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग वन जो होती है मेन हेडिंग होती है, हेडिंग टू होती है वो आपकी सब हेडिंग होती है। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे, टाइटल पे क्लिक किया, बड़ा हो गया, ठीक है। द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड, जो आपके पास टेक्स्ट इस फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टू अप्लाई स्टाइल सेट, स्टाइल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर स्टाइल हो, जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल, यानी क्या बोलते हैं, फॉन्ट किस फैमिली का हो, टाइम न्यू रोमन का हो, ये कैलिब्रिया का हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इटैलिक करना है, मोटा करना है, बोल्ड करना है, ये सब चीज़ें होंगी, कलर वगैरह भी उसी के अंदर होंगे। स्टाइल सेट इंक्लूड अ कम्बिनेशन ऑफ टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, हर चीज़ आ रही है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, क्या फ्रॉम द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन के टैब में जाएंगे और यहाँ पे भी इसको मोर को ओपन करेंगे, किसको, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेटिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को सेट करना, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पे आ रहा है, डिज़ाइन से होता हुआ, डिजायर्ड स्टाइल कोई भी सिलेक्ट किया, इसने क्या किया, लाइन स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करूँ, पूरा का पूरा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि इसकी हेडिंग चेंज हो जाए, उसकी दूसरी हेडिंग चेंज हो जाए, ठीक है। मैं डिज़ाइन में आया, डिज़ाइन में आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नज़र आ रहा है, तो इससे मैं मोर को क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ढूंढना है कौन सा लाइन स्टाइल है, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो सारी की सारी हेडिंग आपके पास रेडी होकर आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको हेडिंग टू नहीं बनाया, और हेडिंग हेडिंग ये वाला नहीं बनाया, इसलिए सेम टू सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे लाइन आ रही ना, ये अभी नहीं आ रही, पता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग टू नहीं बनाया, उसको हेडिंग थ्री नहीं बनाया, इसको छोड़ दें, ठीक है। इस चैलेंज पे इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, देखिए, टू मॉडिफाई स्टाइल, स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, इसको एडिट कैसे कर रहे हैं। इन द स्टाइल ग्रुप होम टैब राइट क्लिक द स्टाइल यू वांट टू चेंज द सिलेक्ट मॉडिफाई फ्रॉम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये टाइटल को जाके मॉडिफाई करते हैं, होम के टैब में आया, ठीक है, स्टाइल को ओपन किया, जैसे ये अप्लाई हुआ था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे गया तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यार ये ऑरेंज कलर का दिखे, ठीक है,
और ये थोड़ा सा और बड़ा दिखे तो यहाँ से साइड एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है 48 कर दिया, और यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर दिया, तो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल क्या है, टाइम न्यू रोमन। ठीक है, इस तरह आप लोग मुख्तलिफ इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, और जैसे आपने ओके किया तो आपके पास स्टाइल मॉडिफाई भी होगा और आपके सामने यहाँ शो भी होगा जो आपने अपना बनाया अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इन द स्टाइल ग्रुप होम टैब राइट क्लिक स्टाइल यू वांट टू चेंज एंड सिलेक्ट मॉडिफाई, ये आपने कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो आपने जस्ट यहाँ पे एडिटिंग की जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है आपके सामने जो मैंने की, और आखिर में ओके कर रहे हैं तो ये आपके पास स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोड़ दो फिलहाल, यहाँ तक हो गया। अब टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, अब अलग से एक नया स्टाइल मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी मेरे मुताबिक हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, हर चीज़ मेरे मुताबिक हो, तो करना क्या है, क्लिक द एरो बटन बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टाइल्स ग्रुप, स्टाइल्स के ग्रुप में ये नज़र आ रहा है, ये पूरी की पूरी जो है ना ग्रुप को ओपन कर देगा, तो यहाँ पे देखें स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक न्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ स्टाइल, इस पर क्लिक किया तो सबसे नीचे नज़र आ रहा है इस न्यू स्टाइल आया नज़र, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, भाई मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ हेडिंग वन, हेडिंग टू, जो भी है आप इनको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, अपना एक स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें ये स्टाइल आपके सामने शो हो गया, ओके ये आखिरी चीज़ थी। ठीक है, तो स्टाइल कहाँ से होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे आखिरी में आपके पास न्यू स्टाइल का बटन शो हो रहा होगा, आपने न्यू स्टाइल पर क्लिक करना है तो आपके पास न्यू स्टाइल बन के आ जाएगा और सामने यहाँ पे शो हो जाएगा न्यू स्टाइल आपके पास यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट बता देता हूँ करना कैसे, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। ठीक है, वो मैं करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड्स पे गया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, चलें इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया, जो फाइल अभी डाउनलोड की है ये फाइल ओपन हो रही है। ओपन आवर प्रैक्टिस आवर डॉक्यूमेंट, इफ़ यू ऑलरेडी डाउनलोडेड आवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट बी श्योर टू डाउनलोड अ फ्रेश कॉपी, चलें कोशिश करें फ्रेश कॉपी निकाल लें। अच्छा, ऑन पेज नंबर 1 सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ शेल बाय फील्ड एनिमल, इसको सेलेक्ट करना है, उसको क्या करना है स्टाइल क्या करना है टाइटल अप्लाई करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया शेल बाय फील्ड एनिमल रेस्क्यू, इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ टाइटल, स्टाइल के ग्रुप में यहाँ पे मोर पे जाएंगे टाइटल ढूंढेंगे कहाँ पे, ये रहा, इसको टाइटल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ऑन पेज नंबर 1 ये हो गया, सिलेक्ट द सेकंड लाइन डेट सेस अगस्त वॉलंटियर अपडेट, इसको चेंज करना है हेडिंग 1 में। ठीक है, तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहीं पर, हेडिंग 1 लिखा हुआ रहा है ये रहा, तो ये हेडिंग नंबर 1 पे अपलोड चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आता हूँ, सिलेक्ट द सेकंड लाइन ये हो गया, सिलेक्ट द थर्ड लाइन अ मैसेज फ्रॉम योर डायरेक्टर, इसको हेडिंग 2 बनाना है, तो यहाँ पे आता हूँ, इसको थर्ड लाइन को सिलेक्ट किया, इसको हेडिंग 2 कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको हेडिंग 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे आके दोबारा सर्च करता हूँ हेडिंग 2 कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, तो इसके हेडिंग के स्टाइल आ गए, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इन द डिज़ाइन टैब चेंज द स्टाइल सेट टू कैजुअल, यानी स्टाइल डिज़ाइन का स्टाइल सेट अप्लाई करना है कैजुअल, आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, डिज़ाइन में आया तो ये आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कैजुअल कौन सा है, देखना पड़ेगा, तो मैंने इन सबको ओपन किया, तो इसको देखते कौन सा है, सेंटर्ड है ये लाइन से, तो आपने इसको कैजुअल को सर्च देखना है, ऐसे 1 बाय 1 नाम खुद बहुत लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही होगा आखिरी रह गया, चलें यहाँ पे देखें कैजुअल कहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं दोबारा देखता हूँ यहाँ पे, जैसे कैजुअल है मुझे बता देना। ठीक है, आ गया, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ठीक है तो ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा जी, भाई ये कह रहा है यहाँ पे कैजुअल वाला स्टाइल अप्लाई करना, जैसे इस पर मैं क्लिक किया ये स्टाइल अप्लाई हो गया, जो यहाँ पे अप्लाई था डिज़ाइन के टाइप में गया,
यहाँ से जाके कैजुअल को ढूंढना है, उसको सिलेक्ट करना है, तो ढूंढना पड़ता है जैसे मैंने ढूंढा है। जो लोग रोज काम करते हैं उनको पता है कैजुअल कहाँ पड़ा हुआ, टाइटल कहाँ पड़ा हुआ, वो कर सकते हैं। कौन सा टेल मी वाला? कौन सा? ये वाला। एक मिनट, डिजाइन के टाइप में कौन सा? यहाँ पे जाऊँ? अच्छा हाँ, नहीं टेल मी बार आपको इतनी हाई फाई चीज़ें नहीं बताएगा। चले मैं यहाँ पे, चले आप कह रहे हैं मैं सर्च कर लेता हूँ, वैसे नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे बेसिक एडिटिंग आती है, ये तो हाई लेवल चीज़ है। देखें कैजुअल, देखते हैं कैजुअल स्टाइल, स्टाइल सेट तो आ गया। अब देखें इसको ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ तक हेल्प कर रहा है तो आपको फिर भी सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे कैजुअल कहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे भी इतनी हेल्प ले रहा है, ठीक है? ये ज़्यादा डीप में नहीं गया हुआ, ठीक है? जो लोग रोज़ काम करते हैं उसको पता है कैजुअल कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, ठीक है? उनके लिए आसान होता है। तो कैजुअल अप्लाई किया, तो कैजुअल में क्या था कि भाई इस तरह से हेडिंग थी, कलर इसका चेंज था। आखिरी चीज़ क्या रहेगी? इन द डिज़ाइन टैब, फ़ोन बंद कर लें, ठीक है? मॉडिफाई द नॉर्मल स्टाइल टू द, सो द फॉन्ट इज कैम्ब्रिया एंड द फॉन्ट साइज इज 14। यानी फॉन्ट स्टाइल को लेना है कैम्ब्रिया, टाइम न्यू रोमन नहीं लेना, कैम्ब्रिया लेना है, और 14 का साइज रखना है। अच्छा नॉर्मल स्टाइल सेट को मॉडिफाई करना है, ठीक है? अच्छा देखें स्टाइल सेट कहाँ पे है ये बताएं, डिज़ाइन में है या होम टैब में? स्टाइल सेट होम में गया, स्टाइल सेट आ रहा है, तो यहाँ पे उसको ओपन करता, नॉर्मल ये लिखा हुआ, इसको राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे कितना बोला था इसने, 14, 1 for 14। और यहाँ पे कौन सी राइटिंग स्टाइल थी? कैम्ब्रिया, CAM आ गया, इसको एंटर कर दिया, कैम्ब्रिया हो गया, इसको ओके किया, ये आपके पास डॉक्यूमेंट इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है? फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया और साइज़ भी चेंज हो गया। अब करना क्या है, बस आखिरी चीज़ रहेगी, मॉडिफाइड नॉर्मल स्टाइल सेट सो द फॉन्ट साइज कैम्ब्रिया, सही है? ये हो गया, व्हेन यू फिनिश तो आपके पास डॉक्यूमेंट इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है?